अस्सलामुअलैकुम। हम आज बनाने वाले हैं सिंगापुरियन राइस। तो सिंगापुरियन राइस में सबसे पहले चावल की लेयर होती है, प्लेन चावल होते हैं बिल्कुल, उसके ऊपर नूडल्स की लेयर होती है और थर्ड लेयर चिकन की ग्रेवी होती है। तो सबसे पहले हम नूडल्स को बॉईल कर लेंगे। मैंने 3 ग्लास पानी को बॉईल कर लिया है, उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे और 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से नूडल्स हमारे आपस में चिपकेंगे नहीं, खिले खिले बनेंगे। तो ये मैंने एक पूरा नूडल्स का पैकेट ले लिया है। आप चाहे तो जो लंबे वाले एग नूडल्स आते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो नूडल्स को हम बॉईल करके फिर बाद में ड्रेन कर लेंगे। तो अब हम चिकन की ग्रेवी बना लेते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और 250 ग्राम्स चिकन ली है, इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। इसको हम डाल देंगे और भून लेंगे। केयरफुली डालिएगा क्योंकि ऑयल में डालते वक्त चिकन काफ़ी उड़ती है क्योंकि उसमें पानी होता है। तो चिकन को गोल्डन होने तक मैंने भून लिया था। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून और उसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून वाइट पेपर डालेंगे। आप चाहे तो चिकन पाउडर या चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है। इसको हल्का सा मसालों को सॉटे करने के बाद 1 टीस्पून विनेगर डालेंगे, 1 टीस्पून टमाटो केचप डालेंगे, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस डालेंगे और इनको सॉटे कर लेंगे। अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस नहीं है तो आप ग्रीन चिली पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून पानी डालेंगे और लो फ्लेम पर इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि चिकन हमारी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए चिकन हमारी बनके ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है इसकी, हल्की हल्की होती है। अब सेकेंड स्टेप, हम राइस को बॉईल कर लेंगे। तो 3 ग्लास पानी को बॉईल करने के बाद उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नूडल्स या राइस आपस में चिपकते नहीं हैं। और ये 1 ग्लास मैंने बासमती चावल लिए थे, इनको आधे घंटे के लिए सोक कर लिया था। 100% बॉईल कर लेंगे चावलों को। अब हम नूडल्स बना लेते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल में 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। आप चाहे तो चॉप किए हुए गार्लिक का भी यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक ज़्यादा डालिएगा, इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है राइस और नूडल्स में। तो ये मैंने वाइट वाली प्याज ले ली है, रफली चॉप करके डाल देंगे। कैप्सिकम डालेंगे, आप चाहे तो रेड और येलो कैप्सिकम का भी यूज़ कर सकते हैं। और कैबेज डाल देंगे और स्प्रिंग अनियन डालेंगे। आपको जो वेजिटेबल्स पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा सॉटे कर लेंगे। वन टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून व्हाइट पेपर डालेंगे। 1 टीस्पून विनेगर डालेंगे, रेड चिली सॉस डालेंगे 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस और 1 टेबल स्पून डालेंगे चिली सॉस। और इन सबको हल्का सा सॉटे कर लेना है। वेजिटेबल्स कच्ची पक्की रहनी चाहिए, बिल्कुल गलाना नहीं है। अब इसमें हम नूडल्स डाल देंगे जो हमने बॉईल किया था, और नूडल्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हाई रखना है, चाइनीज़ हाई फ्लेम पर बनाई जाती है, लो फ्लेम पर उसका टेस्ट नहीं आता। आप चाहे तो मीडियम टू हाई भी रख सकते हैं या हाई रख सकते हैं। और दोनों चम्मचों की मदद से ज़्यादा इजी पड़ेगा नूडल्स को मिक्स करना। तो भून लीजिए नूडल्स को। ये देखिए नूडल्स हमारे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बनकर रेडी हो गए हैं। इनको हम साइड में कर देंगे।
ये 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल लिया है पैन में, इस पर हम स्प्रिंग अनियन डालेंगे और राइस को हमारे फ्राई कर लेंगे। सिंगापुरियन राइस में राइस बिल्कुल प्लेन होते हैं बॉईल किए हुए, बट वो इतने टेस्टी नहीं लगेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा फ्लेवरफुल बना रही हूँ राइस को। तो ये देखिए राइस हमारे कितने अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। स्प्रिंग अनियन को हल्का सा सॉटे करने के बाद राइस डाल देंगे और राइस को भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे, 1 टीस्पून विनेगर डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें हम ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट हमने राइस को बॉईल करते वक्त भी डाला था, इसलिए आप टेस्ट करके डालिएगा और इसको सॉटे कर लेंगे। तो इससे हमारे राइस बिल्कुल प्लेन नहीं रहेंगे, थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा राइस में, जो खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। आप चाहे तो इसमें एग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए राइस हमारे बिल्कुल खिले खिले बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम मायो सॉस बना लेंगे जो हम इस पर ड्रिजल करने वाले हैं। मायो सॉस की रेसिपी मैंने लोडेड राइस की वीडियो में डाली है, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दे रही हूँ। 1/2 कप मैंने मायनेज लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप डालेंगे, 1 टेबल स्पून चिली सॉस डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे ताकि ड्रिजल करना इजी हो जाए, थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में हो जाइए। तो ये देखिए इस तरीके से मायो सॉस हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब सर्विंग प्लेट ले लेंगे हम। सबसे पहले हम राइस की लेयर लगाएंगे, राइस, नूडल्स और चिकन की जो हमने ग्रेवी बनाई थी वो सारे गरम गरम होने चाहिए, तभी उसको खाने में मज़ा आएगा। तो सबसे पहले राइस की लेयर होती है, फिर उसके ऊपर नूडल्स डाले जाते हैं, बट सबको राइस और नूडल्स साथ में खाने पसंद नहीं होते, इसलिए मैंने सेंटर में थोड़ी जगह बना ली है, जिससे अगर सिर्फ राइस खाना है तो राइस भी खा सकते हैं, या दोनों साथ में अच्छे लगे तो साथ में भी खा सकते हैं। अब सेंटर में जो मैंने जगह बनाई है उसमें हम नूडल्स डालेंगे, उसके पहले जो हमने मायो सॉस बनाया था उसको ड्रिजल कर देंगे। अब सेंटर में हम रख देंगे नूडल्स हमारे। अब जो हमने चिकन की ग्रेवी बनाई थी वो हम इस पर डाल देंगे। आप चाहे तो चिकन की ग्रेवी के ऊपर भी मायो सॉस को ड्रिजल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी बहुत ही मज़े की, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सिंगापुरियन राइस बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलते रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।